औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वज़ाइफ लाइब्रेरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीने गरामी, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। नाज़रीने गरामी, अल्लाह पाक ने अपने कलाम क़ुरान मजीद, जो कि उसने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसाबिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, इसमें दुनिया व आखरत के खजाने रखे हैं और हम कुरान मजीद की तलीमात, उसके अहकामात और आयात की रोशनी में रहकर अपनी ज़िंदगी पुरसकून बना सकते हैं। नाज़रीने ग्रामी, हम आज की इस ख़ास वीडियो, जो कि ख़ास तौर पर मोहब्बत की शादी का आज़मूदा वजीफ़ा है, इसका भी हल कुरान पाक की मुकद्दस आयात से बताएंगे। इंशाल्लाह ये मुख्तसर मगर मुजर्रब आज़मूदा वजीफ़ा करने के बाद बेशुमार ख़जानों के मालिक बन जाएंगे और अल्लाह पाक आपकी मतलूबा जगह आपके महबूब शख्स के साथ आपकी मोहब्बत की शादी फरमा देगा और इस आसान अमल से आपकी नस्लें नेक, सहले और सेहतमंद पैदा होंगी। नाज़रीने ग्रामी, इस अमल को आप हासिदीन के हसद, जादू जनात के असर से निजात हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं और जिन अहबाब का आपको डर है कि वो शादी में रुकावट बन रहे हैं, उनको महबूब बनाने के लिए, उनको अपने असर में करने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके पास बड़ा घर, शानदार गाड़ी हो, तब भी ये अमल आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर आपका कोई जानी दुश्मन है तो आप अपने दुश्मन की नाकामी के लिए, दुश्मन को जलीलो खार करने के लिए ये मुजर्रब वजीफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीने ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दें। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ लाइब्रेरी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ या अच्छी बात फैलाना भी सदका है। आजकल के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर इस्लामिक मवाद की ताशीर सदका जारिया है और याद रहे कि हमारा ये प्लेटफॉर्म इस्लामिक वज़ाइफ लाइब्रेरी अपने मुसलमान भाइयों और बहनों और बाकी तमाम इंसानियत की फलाह व भलाई के लिए ही तमाम वीडियोस अपलोड करता है। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, इसलिए हम अपने सुनने और देखने वाले तमाम भाइयों और बहनों से तवक्का करते हैं कि आप सब हमारे बताए गए तमाम वज़ाइफ को अपने सब जायज़ मकासद के लिए ही करेंगे। इसके अलावा वजीफ़ा करने से पहले ख़ुद को पाक साफ कर लें और यानी बावजू होकर ही ये अमल करें और जितने दिन ये वजीफ़ा करें दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी को किसरत से पढ़ें। वजीफ़े के दौरान मुकम्मल खुशू खजू का ख्याल रखें। इसके अलावा वजीफ़े के तमाम आदाब और हकूक का ख्याल और लिहाज रखें और ये अमल सही तरीके से करें। अगर आप इस अमल, इस वजीफ़ा को पूरे ध्यान तवज्जो और अहतमाम के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीने ग्रामी, जो शख्स चाहता है कि उसकी मतलूबा जगह पर मोहब्बत की शादी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि वो जुमे रात के दिन 2 रकत नफल अदा करे और फिर 11 मरतबा
दुरूद पाक को पढ़े और इसके बाद 11 मरतबा सूरत मुजम्मल को पढ़े और फिर 11 बार दुरूद पाक को पढ़े। ये अमल सिर्फ 7 जुमे रात तक करे, यानी कम से कम 2 महीने करे, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह पसंद की जगह पर। और महबूब, लड़का अमल कर रहा है तो लड़की के लिए, और अगर लड़की अमल कर रही है तो लड़के के साथ शादी फरमा देगा। सूरतुल मुजम्मल का इंतहाई मुख्तसर मगर मुजर्रब आजमूदा वजीफ़ा है। इसको जुमे रात, किसी भी जुमे रात जो आने वाली जुमे रात है उस दिन से शुरू कर लें और 7 जुमे रात तक करें, इंशाल्लाह मोहब्बत की शादी पाया तकमील को पहुँचेगी और जितनी भी रकावटें मुश्किलात दरमियान में रिश्तेदार या वालदैन वगैरह रोड़े अटका रहे हैं, शादी नहीं हो रही, तो वो इंशाल्लाह वो मजबूर हो जाएंगे ये वजीफ़ा करने के बाद, अगर आप ये वजीफ़ा पूरे अहतमाम के साथ, पूरे अदब के साथ और सही तरीके से कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत की शादी मतलूबा जगह पर हो जाएगी।